बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया। कहते हैं कि बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है। और सुर दुर्लभ, सुर किसको कहते हैं? देवता को, जैसे चांद, सूरज, तारे, ग्रह, ये सब देव हैं, देवता हैं। ये सबको सुख देते हैं। सूरज निकलता है तो गर्मी मिलती है, खाना पैदा होता है सब। सूर्य ना निकले तो कुछ पैदा नहीं हो धरती पे। तो ये सुख देने वाले को देवता कहते हैं। सुर दुर्लभ, तो इन देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर, इतना इतना कीमती है मनुष्य शरीर। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया, जितने भी ग्रंथ लिखे ऋषि मुनियों संतों ने, सब ने कहा है ये मनुष्य देह अति दुर्लभ है। तो अब मनुष्य देह मिल गई, इसकी कीमत का नहीं पता इंसान को कि क्या मिल गई। मिल गई, शुभ कर्म थे पिछले, मिल गई। अभी इसको जीना नहीं आता, इसको यहाँ रहना नहीं आता, और नए नए कर्म बना के सुखी दुखी होता रहता है। तो आज के सत्संग में ये बताऊंगा कि ये संसार में मनुष्य की देह में आके कैसे रहना है, कैसे जीना है, सुंदर जीवन कैसे जीना है। क्योंकि अगर जीवन में शांति नहीं है तो फिर कितना ही धन हो, कितने ही मकान हो, कितना ही पद हो, उसको सुख नहीं मिलेगा, दुखी रहेगा, भटकता फिरेगा। एक शब्द से शुरुआत करता हूँ, दाता दयाल का शब्द है। ऐ मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना। दाता दयाल जी लिखते हैं, ऐ मेरे प्यारे भाई, ऐ मनुष्य मेरे भाई, देखो संभल के चलना। मतलब ऐसे मन मर्जी से मत चलना इस संसार में, बड़ा संभल के चलना। अगर सुख चाहते हो तो बड़ा सोच समझ कर चलना, नहीं तो दुखी हो जाओगे। खोटे न कर्म करना, खोटी न बात कहना। आगे कहते हैं, खोटे न कर्म करना। खोटे मतलब घटिया, बुरे कर्म, नेगेटिव। खोटे कर्म करोगे तो तकलीफ होगी, तो खोटे कर्म मत करना। कैसे हम बड़ों की बेइज्जती करते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं, ये खोटा कर्म है। किसी को बुरा शब्द कहते हैं, खोटा कर्म है। किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नफरत से सोचते हैं तो ये खोटा कर्म है। और काम क्रोध लोभ मोह की अति खोटा कर्म है। तो ये क्या कह रहे हैं, खोटे न कर्म करना। तो ये खोटे कर्म मत करना, नहीं तो थोड़े दिन तो मन मर्जी से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शरीर में शक्ति है, मन में शक्ति है, धन है, पद है, मान है, तो आपको कुछ दिन तो मजा लोगे और बाद में फिर पछताना पड़ेगा। किसी भी चीज़ की तकलीफ कहाँ से आती है? हमारे घटिया कर्मों से। खोटी न बात कहना, किसी को भूल के भी किसी की बेइज्जती मत करो। आजकल ट्रेंड क्या है, नैले पे दैला। किसी ने एक बात सुनाई तो हम चार सुनाएंगे, तभी हमें तसल्ली होती है। तो उसका फल क्या मिलेगा? बाद में बुरा फल मिलेगा। तो क्या करो, छोटे बन जाओ। कोई हमारी बेइज्जती करे तो उसको माफ़ कर दो, आप उसकी बेइज्जती मत करो। तो थोड़े दिन तो ऐसे तकलीफ लगेगी कि भाई वो मेरे को सुना के चला गया और मैं चुप हो गई। अपना स्वाभिमान तो रखना है, लेकिन नैले पे दैला नहीं मारना है। बात को बढ़ाना नहीं है, बात का बतंगड़ नहीं करना है, बात को ख़त्म कर देना है। सबसे पहले शुरुआत घर से ही करो। जैसे आप पति पत्नी हो, तो ये कोई गुस्से में आके या किसी की रेडिएशन में आके आपको कुछ बोले तो उसको खोटी बात मत कहना, बेइज्जती मत करना। सहन कर लेना कि कोई बात, और जब दिमाग ठंडा हो जाए उस टाइम कहना, आप ऐसे थोड़े बोलना चाहिए भले आदमी, ये तो ऐसे तो दिल दुखता है, आप तो बड़े समझदार हो, अच्छे से बोला करो सबको। तो क्या कह रहे हैं, ये हिदायत दे रहे हैं रहने के लिए, ये बता रहे हैं कि कैसे रहना है इस संसार में। आपको तो उसी की ज़रूरत है। आपकी उम्र अभी 27 साल है, आपकी उम्र 30 साल है, तो आपको वो राम नाम और नामदान और वो वैरागर, वो सब ज्ञान देना तो बेकार की बात है। तो आपको कौन सा ज्ञान देना है कि इस संसार में कैसे रहना है, कैसे तरक्की करनी है, सुखी जीवन कैसे जीना है। दुख दोगे, आगे कहते हैं, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। इस संसार में लेने देने का सिद्धांत है। जो आप दोगे आपको वही मिलेगा। कैसे? अगर आप आम लगाओगे, आम का पौधा, तो आपको आम खाने को मिलेंगे।
और आप बबूल लगाओगे तो कांटे मिलेंगे आपको। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो सुख तो सुख दो, आप करते क्या? हम उल्टा करते हैं उसका। हम चाहते तो हैं सुख और देते हैं दुख। घरों में क्या हालत हो गई है? सुबह उठते हैं, 5 आदमी हैं घर में, और कोई किसी से खुशी से स्माइल से नहीं मिलता। बस उठते अपने अपने काम में लगते हैं, चले जाते आते हैं। ये प्रेम और वो दया भाव और खुशी और जो अपनापन, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। आपस में मन मुटाव बढ़ता जा रहा है। क्यों? देते तो हैं दुख और चाहते हैं सुख, तो वो ज्ञान ही नहीं है। वो ज्ञान गुरु देता है, दुख दोगे दुख मिलेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाओगे, घटिया बात बोलोगे और फिर चाहते हो कि वो सुख दे, तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सुख चाहते हो तो सुख दो। सुख कैसे दो? अच्छी बात बोलो, इज्जत से बात करो, और कोई गुस्से में या नाराज़गी में कोई है तो उसको बोलो, अरे आप ऐसे थोड़े गुस्से में रहते हैं, बताओ क्या बात है, किसने क्या कहा, बताओ मेरे को, ऐसे मत नाराज़ मत रहो, खुश हो जाओ, बताओ क्या बात है। मतलब उसको घर में नाराज़ मत रहने दो, उसको धीरे धीरे उससे बात करके उसको अपने समभाव में ले आओ, समता में ले आओ। वो नाराज़ रहेगा और आप परवाह नहीं करोगे तो क्या होएगा, आखिर में फिर वो गड़ा भर के फूटेगा और वो तकलीफ़ आएगी घर में। तो किसी कोई नाराज़ है किसी बात से और आप महसूस करो कि वो चुपचाप बैठा है या बोल नहीं रहा है या दुखी है, तो उसको खुश कर लो घर में, तो क्या होएगा, माहौल ठीक हो जाएगा, सीटी युद्ध बंद हो जाएगा और सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। दुख दोगे दुख मिलेगा। अगर आप किसी को दुख दोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। फिर उम्मीद मत करना, आप ये उम्मीद रखो कि मैं गुस्सा करती रहूं और इज्जत से ना बोलूं और कमियां देखती रहूं और अपनी ड्यूटी ना करूं तो फिर आपको दुख मिलेगा। तो अपनी ड्यूटी प्रेम से, अपना कर्तव्य ये समझो कि ये जितने भी घर में सास है, ससुर है, पति है या भाई है, कोई भी है, सब इंसान, सब के अंदर परमात्मा है। मैं इनकी सेवा करने आई हूँ, लेने देने कर्जे का व्यवहार है ना, इधर हम एक दूसरे का कर्जा चुकाने आते हैं। अपनी ड्यूटी जो है सबके लिए वो पूरी करो, दूसरा करे ना करे आप परवाह मत करो। हमने अपने कर्मों को साथ लेके जाना है, वो करेंगे वो पाएंगे। तो आप सबकी इज्जत करो, और कोई घर में नाराज़ है तो उससे पूछो, ऐसे थोड़े रहते हैं जी, आप कोई तकलीफ़ है तो बताओ, मैं कुछ कर सकती हूँ तो बताओ, तो वो खुश हो जाएगा, देखो इतना अच्छी है भाई। तो मदद करो सबकी, सब पे दया भाव रखो। आगे कहते हैं, मारोगे तुम किसी को फिर गम पड़ेगा सहना। मारोगे तुम किसी को मतलब, अगर तुम किसी को मारोगे मतलब किसी को तकलीफ़ दोगे तो आपको गम पड़ेगा सहना, आपको दुख, आगे फिर दुख मिलेगा। तो इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, किसी पे टोंटिंग मत करो। टोंटिंग करते रहते हैं ना, टिट फॉर टैट करते रहते हैं, तो वो किसी पे ऐसे ताना मारोगे तो फिर आपको जब जब उसको मौका मिलेगा तो वो भी फिर वैसा ही करेगा। और फिर आज तो आपको मौका मिल गया, आपने उसको टॉन्टिंग किया, ताना मारा, कल को उसकी भी तो बारी आएगी ना, आप कोई गलती करोगी तो फिर वो पूरा बदला लेगा। तो मारोगे तुम किसी को फिर गम पड़ेगा सहना, तो फिर दुख उठाना पड़ेगा। तो ये आदत, गंदी आदत जो है ताना मारने की या टीज करने की, टॉन्टिंग करने की, छोड़ दो बिल्कुल। घर में तो बिल्कुल ही मत करो, किसी को मत करो। संसार में सुखी रहना है तो ये गंदी आदत है कि किसी को ताना मारना, किसी की बेइज्जती करना, हमेशा के लिए छोड़ दो। सबसे मीठा बोलो। तुलसीदास जी कहते हैं, उनको समझ में आ गई ये बात कि वाणी जो बोलते हैं हम, उसका बहुत असर है। तो उन्होंने फिर क्या लिखा, अब हम कहते कछु ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहब दिन राती। उनको समझ में आ गया कि मैं कुछ बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ तो सबको सुख मिलता है, और कुछ गलत कहता हूँ तो सबका मन दुखी होता है। तो फिर उन्होंने लिख दिया कि आज से मैं अच्छा ही बोलूँगा, सबको अच्छा लगे ऐसा बोलूँगा, नहीं तो बोलूँगा ही नहीं, मौन रहूँगा। तो क्या हम ऐसा करते हैं? क्या मैं करता हूँ? तो ये देखो, तो किसी को ऐसी बात मत करो जिसका दिल दुखे। एकदम नहीं होएगा, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो फिर वो स्टाइल, लाइफ स्टाइल बन जाएगी वैसी, और वैसे ही रहे, वो आदत ही बन जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत अच्छे लोग होते हैं, जेंटल, वो कभी सुनो गाली देंगे ही नहीं। वो तो अच्छे लोग होंगे, वो गाली देंगे ही नहीं, वो उनको तो ये लगेगा, अरे ये क्या बोल रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो।
तो वो फिर आदत शुरू शुरू में जोर पड़ता है ये सीखने में, और एक बार हमारे लाइफ पैटर्न में आ गया, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, तो कुछ नहीं, फिर वो आदत बन जाएगी हमारी अच्छा बोलने की। घटिया बात बोलोगे नहीं, घटिया बोलोगे तो आपको बड़ा दुख होगा, इसलिए आप दुखी रहना तो चाहते नहीं हो, तो मीठा बोलो सबको, और नहीं तो चुप रहो बस। आगे लिखते हैं, कोलो ख्याल करतब दरिया से है मुसाबा, तुम देखना ना इनकी लहरों में पड़ के बहना। उर्दू के शब्द हैं, पूरे मुझे नहीं आते हैं, इसलिए मैं पूरा इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। आगे लिखते हैं, मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर, जीवित बने रहोगे खुशहाल हो के रहना। ये बड़ी काम की बात लिखी है इन्होंने, मन और इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर। ये कहते हैं अपने मन पे कंट्रोल रखना, ऐसा नहीं है कि मन में जो आया वो कर लिया, मन में आई ये खा लिया वो खा लिया, चाहे वो शरीर को कुछ सूट करे ना करे, शरीर को कुछ पौष्टिकता दे ना दे, आप खा रहे हो बस स्वाद के लिए, सिर्फ स्वाद के चक्कर में मन में आया खा लिया, ऐसे नहीं। शराब पी ली, मांस खा लिया, ये सब बहुत बहुत शरीर को बर्बाद कर देंगे बाद में आगे चल के, अभी तो ठीक है लेकिन बहुत लंबे समय बाद इसका नुकसान होता है, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और सोचने समझने की विवेक की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी। तो जो शरीर को सूट करे वो खाओ, ये नहीं है कि मन में आया वो खा लिया ठूस लिया, नहीं, ज़्यादा तला फला खाओगे तो शरीर ख़राब हो जाएगा, बीमारियां घेर लेंगी। ये तो सिर्फ खाने की बात करी, तो पूरा मन पे हर तरह के विचार आते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, तो उसको थोड़ा दिन में समय निकाल के और सोचा करो किससे क्या बात करी मैंने, किसी से कोई घटिया बात तो नहीं कर दी, किसी को कोई कुछ बुरा तो नहीं बोल दिया, ऐसे मन को एनालाइज किया करो डेली, दिन में कभी बैठ के या रात में सोने से पहले या सुबह उठो एक बार पूरे दिनचर्या को एनालाइज कर लो, ऐसे मैं रोज़ करता हूँ, तो ऐसे दिनचर्या पूरी सामने आ जाती है कि क्या क्या किया क्या क्या किया, तो एक एक करके वो सामने आने लगता है कि किसको क्या बोला, किसके साथ क्या कैसा व्यवहार किया, तो जिधर लगता है कि ये ठीक नहीं किया तो फिर कोशिश करो उसको ठीक करो, तो ऐसे करोगे एनालाइज अपने व्यवहार को अपनी दिनचर्या को, तो धीरे धीरे जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया ये गलत करता हूँ मैं। अगर आपको गुस्सा करने की आदत है या कड़वा बोलने की आदत है या गाली देने की आदत है या सख्ती से बोलने की आदत है या दूसरे में बुराई देख के उसकी बेइज्जती करने की आदत है और आप एनालाइज कर रहे हो अब डेली अपने व्यवहार को, तो क्या होएगा, वो आपके सामने आ जाएगा कि मैं ऐसा करती हूँ, ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि अब ये तो लिखते हैं दुख दोगे तो दुख मिलेगा, तो फिर वो एनालाइज करने से क्या होएगा, मन वचन और कर्म आपका पवित्र हो जाएगा और फिर वो धीरे धीरे आदत से निकल जाएगा और बहुत सुंदर बोलने लग जाओगी, बहुत अच्छा मीठा सबको अच्छा लगे वो बोलने लग जाओगी, कुछ नहीं है, गुण ग्रहण करने लग जाओ और अवगुणों को छोड़ दो तो जीवन सुंदर बन जाएगा। ये लिखते हैं, मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर। ये मन है ये महाचंचल है, महाचंचल क्यों है, दो कारण है, एक तो कामुकता की वजह से शक्ति खो देते हैं हम, तो जो कमज़ोर होगा वो ज़्यादा इधर उधर फड़फड़ाता है, भागता है इधर उधर, तो ये मन हमारा फड़फड़ाता है, कलयुग में आज के समय में हम कामुकता खो देते हैं तो वो उससे ये मन कमज़ोर हो गया है, और कमज़ोर चीज़ कमज़ोर आदमी देखना रोता रहेगा, कंप्लेन करता रहेगा, शिकायतें करता रहेगा, शांत नहीं मिलेगा, बेचैन होगा वो, और बेचैन आदमी को सुख शांति नहीं नसीब होती है, वो हमेशा कमियां देख के और शिकायतें करता रहता है, ये ख़राब है जी, वो ख़राब है जी, ये है वो, अरे भाई तू जो तेरे से होता वो कर ले, लेकिन उसकी आदत है उसकी चुगली करना, इसकी चुगली करना, ये एक तो ये कारण है हमारा, और दूसरा है अज्ञान की वजह से, हमें अज्ञान, हमें ज्ञान ही नहीं है कि कैसे बोलना है, कैसे रहना है, क्या करना है, हम क्यों इस मनुष्य शरीर में आए हैं, वो ज्ञान नहीं है, तो एक तो कामुकता की वजह से और एक अज्ञान की वजह से हम जो मर्जी आए करते रहते हैं और हमारा जीवन सुखी दुखी होता रहता है, इसलिए ये कहते हैं मन पे काबू रखना अपना। क्या काबू, अभी अभी मन में विचार आया टेलीविज़न देखना, टेलीविज़न देखने लग गए, मोबाइल पे अभी कोई मैसेज आया थोड़ा मैसेज देखा और 10 चीज़ें और देखने लग गए,
बनाना था खाना और मोबाइल में लग गए, खाना बनाया नहीं, और फिर याद आएगा अरे खाना बनाना, फिर जल्दी जल्दी कुछ कुछ ऐसे बना बुनू के दे दोगी, ना वो खाने में स्वाद आएगा, ना उस खाने में अच्छी रेडिएशन होगी, और खाने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होगा, तकलीफ़ होएगी, तो दिनचर्या बिगड़ जाएगी, बेचैनी आ जाएगी। तो इस मन पे काबू रखना ये कहते हैं। तो काबू रखना आसान नहीं है, काबू रखने के लिए फिर किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, उसकी रेडिएशन लेनी पड़ेगी, सत्संग सुनना पड़ेगा, धीरे धीरे ये मन काबू में आ जाता है फिर। और इंद्रियों पे काबू रखना, अब इंद्रियों के चक्कर में आके, जैसे मैंने आपको कल और परसों दो दिन बताया था, पांच कर्म इंद्रिय हैं, पांच ज्ञान इंद्रिय हैं, हम इनमें फंसे रहते हैं। जैसे अब आप जीभ के स्वाद में बहुत चटपटा खाती हो, तो चटपटा खाओ खूब, बाद में जब 40, 35, 40 की हो जाओगी तो फिर वो पता चलेगा। फिर अभी जो चटपटी मिर्ची और ये सब तीखा खाती हो, अभी तो मज़ा आ रहा है खाने में, और बाद में फिर वो तीखे की बजाय वो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। जितना तीखा अब खा रही हो स्वाद के चक्कर में, फिर उतनी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो ये आपने डिसाइड करना है कि ये तीखे चटपटे खा खा के मजा लूँ और बाद में फिर दवाइयाँ ले ले के भोगूँ, या अभी से कंट्रोल करूँ। बेस्वाद खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, खाओ स्वाद खाओ बहुत अच्छा, नहीं तो नीरस भोजन करके क्या फ़ायदा। स्वाद में खाओ, अच्छे अच्छा टेस्टी होना चाहिए भोजन, लेकिन शरीर को नुकसान करे वो ऐसा भोजन मत करो। तो इंद्रियों के चक्कर में फंस के, हम स्वाद के चक्कर में फंस के, कोई भी इंद्रिया हो शरीर की, उस स्वाद में फंस के अज्ञान के कारण कुछ दिन तो मजा लेते हैं और बाद में भुगतते हैं, फिर रोने के सिवा कुछ नहीं। बहुत देर हो जाती है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं, फिर संभल में नहीं आती, फिर रो रो के बीमारियाँ, या तो गुरु लूटेंगे फिर, और या फिर डॉक्टर लूटेंगे। तो ऐसा जीवन क्यों, अभी तो आपको छोटी उम्र में ही देखो कितने शुभ कर्म है कि आपका अच्छा आदमी मिला और वो गुरु की तरफ जा रहा है, ज्ञान की तरफ जा रहा है, तो उसकी वजह से आपको भी ज्ञान मिल रहा है। हमें तो इस उम्र में ये सब ज्ञान नहीं मिला था, और आपको तो कम उम्र में इतना सारा अच्छा रास्ता मिल रहा है। तो अभी से कंट्रोल करो इस मन पे और इंद्रियों पे धीरे धीरे। ये नहीं है कि मन में जो आया वो कर लिया, नहीं, देखो ठीक है कि गलत है, सोचो उसको, फेल हो कोई बात नहीं, कम से कम विचार तो करो, संभाल तो करो अपने मन की, बार बार गिरोगे कोई बात नहीं, फिर चलो फिर उठो, फेल हो जाओ फिर उठो, और धीरे धीरे ऐसे करते करते प्रैक्टिस करते करते, और एक दिन ऐसे धीरे धीरे एक एक गलतियाँ ठीक हो जाएंगी, और एक दिन जीवन अच्छा हो जाएगा। जैसे गलत सीख ले ऐसे अच्छा सीख लेंगे, मामूली सी बात है। ये आगे कहते हैं, मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना बराबर, जब्त मतलब कंट्रोल रखना इन पे, इनको खुला मत छोड़ना, खुला छोड़ोगे तो तकलीफ पाओगे। जीवित बने रहोगे खुशहाल हो के रहना, अगर मन और इंद्रियों पे काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो फिर जीवित बने रहोगे। जीवित बने रहोगे मतलब जीवन का मजा लोगे, आनंद आएगा जीने में। नहीं तो ऐसे लोग होते हैं, जिंदा तो हैं लेकिन मरे समान है, वो रोज़ हाय हाय करते रहते हैं, तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं और छोटी उम्र में चले जाते हैं। तो जीवित बनो रहोगे मतलब खुशहाल जीवन जीओगे, और उमंग से, उत्साह से, हौसले से जीओगे। कैसे, इस मन पे काबू रखना, इंद्रियों पे काबू रखना, तो अच्छी ज़िंदगी जीओगे। जीवन उसको ही तो कहते हैं जो अच्छा, ऐसे मरे मुरझाए हुए जीवन को क्या जीवन कहेंगे, हमेशा दुखी परेशान जीवन थोड़े है वो। तो जीवन तो वो है कि जी मज़ा आ रहा है घर में भी, और अपना मन भी खुश है, और सबसे अच्छा व्यवहार है, और जिंदा दिल कहते हैं ना, बहुत जिंदा दिल है भाई, बहुत अच्छा इंसान है, मज़ा आ जाता है भाई उससे बात करके। तो जिंदा दिली, उमंग, उत्साह कहाँ से आता है, इंद्रियों पे काबू है तो ठीक है, जीवन खुशहाल हो जाएगा बस। इसीलिए ये लिखते हैं जीवित बने रहोगे। आगे लिखते हैं, अपनी नसक रखना तुम आसमां पे हरदम, आत्म स्वरूप रहकर संसार में विचरना। इसका जो मुझे अर्थ समझ में आया वो ये है कि अपनी नसक रखना तुम आसमां पे हरदम, मतलब अपनी दृष्टि ऊंची रखना। इंसान की गति क्या होती है, या तो वो तरक्की करेगा और या वो अपना नुकसान करेगा, विनाश की तरफ जाएगा, एक जगह नहीं रुक सकता। अगर वो ऊंचा ऊंचे ख्याल रखेगा, ऊंची दृष्टि रखेगा, अच्छे ख्याल रखेगा, तो उसकी तरक्की होती चली जाएगी, नहीं तो गिरेगा। तो हमेशा अपने ख्याल, अपने विचार अच्छे रखना,
हमेशा टारगेट अच्छा रखना, ऑब्जेक्टिव अच्छा रखना कि मैंने बहुत धन कमाना है और मैंने बड़ा खुश रहना है, मैंने अच्छी सेहत रखनी है और दुनिया में बहुत अच्छा नाम करना है अपना, अपने परिवार का बहुत अच्छे बच्चे पैदा करने हैं, उनको अच्छा इंसान बनाना है। हो ना हो परवाह मत करो, होना तो वही है जो आपके कर्म में लिखा है, लेकिन अपनी दृष्टि ऊंची रखना तो उससे क्या होएगा, गिरोगी नहीं, तरक्की होएगी ऊपर की तरफ। और ये ऊंची दृष्टि नहीं करोगी तो फिर क्या होएगा, धीरे 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 मन के इंद्रियों के चक्कर में फंस के जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ये अपनी आसमां पे रखना, अपनी नज़र को हमेशा, मतलब अपनी दृष्टि को ऊंची रखना, किसी के घटिया विचारों को कि किसी के घटिया कर्मों पे नज़र ही मत रखना। आत्म स्वरूप रह के संसार में विचरना, इस संसार में कैसे रहना आत्म स्वरूप होकर। आत्म स्वरूप क्या है ये समझो पहले। हमारे इस ह्यूमन बॉडी के अंदर चार चीज़ें हैं, शरीर, मन, आत्मा और सुरत। तो संतों ने जो ईश्वर अंश है उसको सुरत कहा है, सुरत का नाम दिया है। सनातन उसमें आत्मा कहते थे, तो आत्मा को संतों ने कहा ये तो सफ़ेद रंग का प्रकाश है। आत्म स्वरूप को समझो कि वो आत्म स्वरूप है क्या। अगर आपको ये ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो 5 तत्वों का पुतला है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तो फिर आप खोटे कर्म करोगी नहीं, शरीर के अभिमान में आओगी नहीं। और आपको ये पता चल जाए ये मन है, ये तो सुना हुआ देखा हुआ पढ़ा हुआ, वो जो संस्कार लिए हुए हैं वो है कुछ नहीं है, सत्यता है नहीं, माया है तो सपना है, तो उन विचारों में नहीं फंसोगी फिर। और फिर आत्मा वो ऊर्जा है, शक्ति है, वो ध्यान में उसका अनुभव कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो उन सबको कंट्रोल करता है, शरीर, मन और आत्मा एनर्जी को, वो है सूरत, वो ईश्वर अंश है। तो उसका ख्याल रखना कि वो उस परमात्मा का ही छोटा रूप है और मैं परमात्मा का ही रूप हूँ। अगर इस भाव में रहोगी तो घटिया काम करोगी नहीं, कोई कोई गलत काम होगा ही नहीं। वो आपको अंदर चेतना देता रहेगा, विवेक देता रहेगा कि नहीं ये ठीक है, ये ऐसे, ये ठीक है, ये ऐसे, ये। तो संसार में ऐसे विचरना, इस संसार में ऐसे रहना, समझ गए संसार में कैसे रहना है, कि किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को गुस्सा नहीं करना है, सबको इज्जत देनी है और ऊंचे ख्याल रखने हैं। ऐसा करोगी और मन और इंद्रियों पे काबू रखोगी तो ये ज़िंदगी बहुत सुंदर बन जाएगी। अब ऐसा ज़िंदगी पाने के लिए हमें तो समझ है नहीं, हमें तो जो देखा हमने वो सीखा है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसी समझ, ऐसी ज़िंदगी, ऐसी रहनी बनाने के लिए किसी ज्ञानी की शरण में जाना पड़ेगा, वो समझ देगा, उस विवेक देगा। तो एक दूसरा शब्द पढ़ता हूँ, गुरु स्तुति है ये। गुरु चरण कमल में शीश झुका दिन रात करूँ पूजा सेवा। तो जो पहले शब्द में हमने पढ़ा कि जिंदगी में कैसे रहना है, ये समझ हमें तो है नहीं, ये ज्ञान हमें तो है नहीं, तो कहाँ से मिलेगा, किसी पूर्ण अनुभवी गुरु की शरण में जाओ वो देगा। तो उसके लिए फिर हमारी कैसी श्रद्धा भाव हो, वो ये दूसरे शब्द में लिख रहे हैं। ये लिखते हैं, गुरु चरण कमल में शीश झुका दिन रात करूं पूजा सेवा, गुरु स्तुति नित करूं मन से, गुरु सम कोई नहीं दूजा। इसका मतलब है गुरु के चरणों में शीश झुका दिन रात करूं पूजा सेवा। वैसे तो गुरु के चरण हैं सफ़ेद रंग का प्रकाश, लेकिन जब तक वो सफ़ेद रंग के प्रकाश में हमारा ध्यान नहीं जाए तब तक क्या करना है, जो जिसको आपने इष्ट बनाया है गुरु का, उसको उसके प्रति पूरी श्रद्धा रखो, ये समझो ये परमात्मा का रूप है। तो वो फिर गुरु भक्ति करते करते, ज्ञान लेते लेते, और वो आपकी जो चेतना है वो उस आत्मा में चली जाएगी, सफ़ेद रंग के प्रकाश में ध्यान। तो जब तक वो ज्ञान योग नहीं आता तब तक भक्ति योग करो। तो क्या लिखते हैं, गुरु चरण कमल में शीश झुका दिन रात करूँ पूजा सेवा। दिन रात मतलब अधिक से अधिक समय मैं गुरु की करूं पूजा, कहते हैं चाहत को, गुरु की इच्छा, ज्ञान की इच्छा करूं और सेवा करूं। सेवा करूं मतलब गुरु के पास जाके ज्ञान लूं और उसकी बात को समझूं और फिर उसमें से जो अच्छी चीज़ है उसको निकाल के अमल करूं, ये है गुरु सेवा। माला पहनाना वो ठीक है, वो संसारिक व्यवहार अपनी जगह अच्छा है, लेकिन गुरु की सही सेवा क्या है, वो जो क्या बात बोल रहा है उसको सुनना, समझना और फिर उस पर अमल करना। तो दिन रात करूँ, ये काम करो दिन रात, तो आपको वो संसार में रहना आ जाएगा।
गुरु स्तुति नित करूं मन में, गुरु सम कोई और नहीं दूजा। तो गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु कोई इंसान नहीं होता। ये इंसानी शरीर तो इसलिए मिला है कि इसके बगैर संसार में कुछ काम नहीं कर सकते हम। तो गुरु उसका शरीर गुरु नहीं है, शरीर तो चला जाएगा एक दिन, उसका ज्ञान हमेशा रहेगा। अगर आपने उसको इष्ट मान के और उससे ज्ञान ले लिया और अपना इष्ट बना के और उसको ये समझ लिया ये परमात्मा का रूप है, तो फिर वो शरीर में रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कभी मरता नहीं है, वो आपके लिए हमेशा ज़िंदा रहेगा। जब तक आप जिंदा हो गुरु जिंदा है, आप तब चले जाओगे तो गुरु चला जाएगा। आपने अगर गुरु को शरीर माना है तो गुरु मरेगा तो रोओगे, अगर आपने गुरु को ज्ञान माना है तो फिर गुरु मरता ही नहीं है कभी, वो तो हमेशा जिंदा है। जो ज्ञान दे दिया कभी मरेगा, वो तो आपके साथ जाएगा ज्ञान। तो ये कहते हैं गुरु स्तुति। गुरु स्तुति क्या है? गुरु माने ज्ञान, और स्तुति क्या है? ये कि हमेशा ये याद रहे कि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, वो मालिक की ये सत्ता है इस संसार में, उस जितना भी जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा कर रहा है। अगर ये भाव बना रहे तो ये गुरु स्तुति है। अगर आपको ये याद रहे कि वो परमात्मा है इस संसार को चला रहा है और मैं उसका छोटा सा अंश हूँ और उसके हाथों में खेल रही हूँ, कठपुतली हूँ, और ऐसे करते करते क्या होएगा, बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा, जितने भी घटिया कर्म हैं सब छूट जाएंगे, अच्छे अच्छे विचार हो जाएंगे, ये गुरु स्तुति है। तो ये कह रहे हैं कि गुरु स्तुति करूँ नित मन में, गुरु सम कोई और नहीं दूजा। मैंने बताया आपको गुरु मतलब ज्ञान, तो कह रहे हैं कि हमेशा गुरु स्तुति करूं मन में, अपने मन में हमेशा ये याद रखूं कि वो परमात्मा का ही खेल है ये सब, और गुरु सम और नहीं कोई दूजा, कि गुरु के समान ज्ञान के समान कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञान से आपको सुख मिलेगा, ज्ञान से आपको शांति मिलेगी। अभी संसारिक चीज़ें हैं, जैसे पति है तो पति सुख देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कभी पति दिल भी दुखाएगा तो फिर क्या करोगी। और ज्ञान हो गया तो फिर कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई आए धन आए नहीं धन नहीं आए, धन आज है कल चला जाएगा तो फिर रोगी नहीं। और आपने ज्ञान ले लिया तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है सब मेरे ही कर्मों का फल है, तो फिर आपको तकलीफ़ तो आएगी, वो रहेगी नहीं, आप ज्ञान से उसको छोड़ दोगी, काट दोगी उस कर्म को, और ज़्यादा हाय हाय नहीं करोगी। समता के मन शरीर मन आत्मा सूरत सब समता के भाव में आ जाएंगे धीरे धीरे ज्ञान से। तो गुरु से बड़ा कुछ नहीं, गुरु मतलब ज्ञान, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं, जिसको ज्ञान मिल गया उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। आगे लिखते हैं, गुरुदेव दयाल ने की जो दया, भव सिंधु से पार किया मुझको, नहीं वार रहा नहीं पार रहा, सब भांति अपार किया मुझको। तो ये कहते हैं गुरुदेव दयाल ने की जो दया, जो बाहर का आपने गुरु इष्ट बनाया था उसने इतनी दया की, ऐसी दया की कि भव सिंधु इस संसार से पार कर दिया मुझे। भव सिंधु है क्या वो समझो, एक तो जो हम खुली आँखों से जो देख रहे हैं सब सब संसार है ये, और एक मन के अंदर जितने भी विचार चलते हैं सूक्ष्म संसार है वो, कभी कुछ विचार आता है कभी कुछ विचार आता है, और उसी में फंसे रहते हैं हम, अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं। तो गुरुदेव जो हमने इष्ट बनाया जिस ज्ञानी को, उसने इतनी अपार दया कर दी हम पर कि इतना ज्ञान दे दिया, इतना विवेक दे दिया, इतनी समझ दे दी कि इस संसार से, इस संसार के बंधन से छुड़ा दिया। एक तो ये भौतिक संसार जो देख रहे हैं और एक अंदर मन का संसार, ये सब से छुड़ा दी जान, और इससे छुट गए तो फिर कोई बंधन ही नहीं है, बंधन ही तो दुख है। जब तक हम किसी चीज़ से बंधे पड़े हैं वो जाएगी तो दुखी हो जाएंगे और मिलेगी तो खुश हो जाएंगे, और जब आपको ज्ञान हो गया कि ये संसार है क्या तो फिर किस बात का दुख है। फिर आगे लिखते हैं, नहीं वार रहा नहीं पार रहा, सब भांति अपार किया मुझको। अपार क्या है? वो परमात्मा जिसका कोई पार नहीं पा सकता, अकह अपार अगाध अनामी, अकह जिसको कहा नहीं जा सकता, अपार जिसका कोई पार नहीं छोर नहीं, जिसको जिसका इसका कोई अंत ही पता नहीं कर सकते, अकह अपार अगाध जिसकी था ही नहीं है, अगाध अनामी जिसका कोई नाम नहीं है, तो वो परमात्मा है। तो आपको ज्ञान देके वो परमात्मा का ही रूप बना देगा, आप आपको वो समझ आ जाएगा कि मैं उसी का, उस परमात्मा का ही एक छोटा अंश मात्र हूँ, वो परमात्मा में जो शक्तियाँ हैं वही शक्तियाँ मेरे में हैं, मेरे में अंश रूप में है, वो पूरी वो शक्ति का भंडार है और मैं उसका हिस्सा हूँ,
तो आप भी अपार हो जाओगे, आप भी ईश्वरीय गुण आ जाएंगे आपके अंदर भी। फिर आगे लिखते हैं, गुरु दाता दानी अपार महा याचक जगजीव हुए सारे, गुरु अर्थ देत गुरु धर्म देत गुरु काम मोक्ष देने हारे। इसका मतलब है गुरु जो है वो दाता दानी अपार महा, गुरु से बड़ा कोई दाता नहीं है, दानी नहीं है, मतलब जो गुरु ज्ञान देता है उसमें सब कुछ आ जाता है, यानी गुरु से बड़ा कोई दानी दाता नहीं है, देने वाला नहीं है। याचक जगजीव हुए सारे, याचक कहते हैं मांगने वाले को, संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे बड़े से बड़ा राजा हो, बड़े से बड़ा सेठ हो, बड़े से बड़ा राजनेता हो, कोई भी हो, सब गुरु के सामने याचक हैं, मांगने वाले हैं। गुरु मतलब ज्ञान, तो वो ज्ञान सबको चाहिए, चाहे कोई भी हो, कितना पढ़ा लिखा हो, कितना बड़ा आदमी हो, सबको ज्ञान चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक। गुरु अर्थ देत गुरु धर्म देत गुरु काम मोक्ष देने हारे। तो ये बात समझने के योग, ये बात बहुत बड़ी लिख दी। हम धन कमाते हैं, करोड़ों अरबों रुपये आ जाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती, ऐसा ही होता ना, बड़े बड़े नेता, मान सम्मान, पद मिल गया, फिर भी भूख नहीं मिटती, और बड़ा बन जाऊँ, और बड़ा बन जाऊँ, फिर भी कुछ नहीं, और कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। एक कामना पूरी होती है, फिर दूसरी कामना आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी कामना, इस कामनाओं के चक्कर में फंसे दिन रात सुखी दुखी होते रहते हैं। मोक्ष की तो कोई परवाह ही नहीं करता, किसी को समझ ही नहीं है मोक्ष भी कोई चीज़ है, थ्योरेटिकली नहीं जानता, प्रैक्टिकली तो बहुत दूर की बात है। तो ये लिखते हैं कि गुरु अर्थ देत गुरु धर्म देत गुरु काम मोक्ष देने हारे, मतलब अगर आप ज्ञान ले लोगे, किसी को ज्ञानी को इष्ट बना के, तो आपको संतोष आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितना धन चाहिए और मेरी हैसियत के हिसाब से कितनी चीज़ ये संसारिक कितनी होनी चाहिए, तो आपको वो ज्ञान से संतोष दिलाएगा। और जब तक संतोष नहीं है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो चाहने का कोई अंत ही नहीं है, चाहते रहोगे, भूख कभी मिटेगी नहीं। जैसे आपने खाना खाया और संतोष हो गया, हाँ जी बस पेट भर गया, तो इच्छा ख़त्म, अब दोबारा थोड़े खाओगी। लेकिन संसारिक चीज़ों का अज्ञान की वजह से हमें संतोष ही नहीं है, कितना धन पड़ा है घर में, 20-20 कोठियाँ, फिर और लगे रहते हैं, और फिर दुखी रहते हैं, फिर ये तकलीफ चिंता होने लगती है कि कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं, कहीं पकड़ा ना जाऊं, चिंता लगी रहती है, इस चीज़ की समझ ही नहीं है। अर्थ कहते हैं पैसा धन दौलत इसको, और धर्म कहते हैं कि संसार में अपनी ड्यूटी करते हुए हमेशा सारी सब करते हुए कैसे खुश रहें, ये धर्म है। आगे लिखते हैं गुरु काम मोक्ष देने हारे, तो वो अपने को ज्ञान देगा, समझ विवेक देगा, और उससे पता चलेगा कि कौन सी कामना, कौन सी इच्छा करनी है और कौन सी नहीं करनी है, नहीं तो हम मन मर्जी करके और कामनाओं के जाल में फंसे रहते हैं और ऐसे जीवन बीत जाता है। तो ये पूरा ज्ञान गुरु देगा आपको कि आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष में कैसे समता लानी है, कैसे उसको प्राप्त करना है। आगे लिखते हैं गुरु महिमा जाने ना ऋषि मुनि, शिव शारद शेष की पार नहीं, संसार अपार की प्रीति छूटी, गुरु भक्ति सम कुछ सार नहीं। तो ये कहते हैं गुरु महिमा जाने ना ऋषि मुनि, गुरु की महिमा, गुरु ज्ञान के मूल्य को ऋषि मुनियों को भी पता नहीं है कि ज्ञान की क्या महिमा है, ज्ञान का क्या महत्व है, ये ऋषि मुनियों को भी नहीं पता है। शिव शारद शेष की पार नहीं, जितने देवी देवता ये भी उस ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, गुरु ज्ञान को। संसार अपार की प्रीति छूटी, गुरु भक्ति सम कुछ सार नहीं। तो गुरु ये कहते हैं कि गुरु की भक्ति, गुरु मतलब ज्ञान, और ज्ञान का सहारा ले लेना, तो ज्ञान हमें तो पता नहीं है, किसी ज्ञानी की शरण में जाओगे तो उसकी भक्ति करना मतलब उसका सहारा ले लेना। अगर किसी ज्ञानी की शरण में जाके उससे ज्ञान समझ लिया तो उसके बराबर कुछ नहीं है, उससे क्या होगा, आपको मिलेगा क्या, संसार अपार की प्रीति छूटी। ये संसार किसको कहते हो समझो, सार तो है आपकी चेतना, सुरत ईश्वर अंश, और उसके सामने जितनी भी चीज़ें हैं बाहर जो देख रहे हैं वो, यानी सार के सामने जो चीज़ है उसको संसार कहते हैं। सार के सामने क्या है, एक तो ये जो देख रहे हैं हम घर परिवार में रिश्ते नाते जितनी चीज़ें धन दौलत ये है, और एक अंदर के विचार, तो सार वस्तु के सामने जितनी चीज़ें हैं वो संसार है, तो ये अपार है, इसका कोई अंत नहीं है, विचारों का कोई अंत है क्या, तरह तरह के विचार आते रहते हैं और हम उसमें फंसे रहते हैं,
तो अगर गुरु भक्ति कर लोगे तो इस संसार अपार की प्रीति छूट जाएगी, अटैचमेंट जो है ना हमारी मन से और इस बाहरी दुनिया से, वो छूट जाएगी। बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं ये, अभी समझ में आने वाली बात नहीं है। इसको बार बार पढ़ो, बार बार समझोगे तो समझ में आ जाएगी कि गुरु भक्ति से हमें क्या प्राप्त होगा। इस संसार से अटैचमेंट छूट जाएगी, वैराग हो जाएगा, और इस संसार की जिसकी अटैचमेंट छूट गई हमेशा खुश रहेगा, मस्त रहेगा, शांति में रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा, उसको तकलीफ ही नहीं है कोई। आगे लिखते हैं, बहुवर्त किए बहुदान किए, बहु तीर्थ में जाकर भटके, गुरु चरण कमल में प्रीत नहीं, यम जाल में सो निस्दिन लटके। तो ये जो कर्म कांड में जो हम फंसे रहते हैं उसके बारे में लिख रहे हैं कि बहुवर्त किए, बहुत सारे व्रत किए, कभी एकादशी, कभी अमावस्या, कभी जन्माष्टमी, कभी कुछ कभी कुछ, शांति नहीं मिली। बहु दान किए, बहुत दान करके भी देख लिया, वस्त्र बांटे, भोजन बांटा, वो बेकार नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन मन में फिर भी सुख दुख आता रहता है, शांति तो नहीं मिली फिर भी। बहु तीर्थ में जाकर भटके, जगह जगह तीर्थ भी करके देख लिए, कभी कहीं किसी देवी देवता के तीर्थ पे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन आके फिर संसार में, घर परिवार में फिर दुखी हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो वो पूर्ण चीज़ नहीं है, उससे तो टेम्परेरी शांति मिलती है। थोड़े दिन गए तीर्थ में, अच्छा लगा, आए फिर संसार में फंस गए, और फिर किसी ने कोई कड़वी बात कही, दिल दुखाया और दुखी हो गए, तो वो इलाज तो नहीं हुआ ना। इलाज तो वो है कि दवाई ली और बीमारी ठीक हो जाए। तो वो समझ आने के बाद ये लिखते हैं कि बहु व्रत किए बहु दान दिए, बहुत सारे व्रत भी किए, बहुत सारे दान भी दिए, बहुत तीर्थ भी किए, लेकिन शांति नहीं मिली। तो आगे लिखते हैं, गुरु चरण कमल में प्रीत नहीं, यानी गुरु चरण कहते हैं सफ़ेद रंग के प्रकाश में ध्यान करने को, उसको गुरु चरण कमल। तो सफ़ेद रंग के प्रकाश में ध्यान वही करेगा जो इस शरीर की समाधि लग जाए, शरीर की जो इंद्रियों के भावों से निकल जाए और मन के विचारों से निकल जाए। अभी क्या होता है, मन में विचार आता है और हम शरीर में आके कोई ना कोई काम करते हैं, या मन में सोचते रहते हैं और सुखी दुखी होते रहते हैं। तो ये शरीर और मन में फंसी हुई है हमारी आत्मा सुरत, तो वो सूरत को शरीर और मन से निकाल के शरीर की समाधि लगानी पड़ेगी, फिर मन की समाधि लगानी पड़ेगी, यानी इस मन के जाल से निकलना पड़ेगा, तो ज्ञान में जीवन हो जाएगा और सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान करोगे बावर गुफा और सतलोक में, तो सफ़ेद रंग का प्रकाश मिलेगा आपको वहाँ पे ध्यान में। तो उससे क्या होएगा, वहाँ पे हमेशा प्लेजर, आनंद ही आनंद है, वहाँ पे दुख नाम की चीज़ ही नहीं है, मस्त रहते हैं। और वो 10 मिनट भी हो सफ़ेद रंग के प्रकाश का ध्यान करोगे तो पूरा दिन खुशी, उमंग, हौसला, पूरा दिन स्माइलिंग फेस रहेगा, नाराजगी दुख नहीं आएगा, कोई कड़वी भी बात करेगा कोई बात नहीं, ऐसे मस्त बेपरवाह रहोगे, बिल्कुल स्माइलिंग फेस रहेगा पूरा दिन। हाँ जी बताओ कि क्या बात है, क्या काम है, लाओ मैं कर देती हूँ। अच्छा ये काम है, कोई जरा सी बात कर, कोई समस्या है, लाओ कर देते हैं, क्या बात है, हो जाएगा, घबराने क्या, चिंता क्यों करते हो, ऐसा ऐसे हल्का जीवन रहेगा। तो गुरु चरण कमल में प्रीत नहीं, जिसकी गुरु चरण कमल में प्रीत नहीं, पहले तो गुरु, बाहर के गुरु जिसको इष्ट बनाया उससे प्रीत रखनी पड़ेगी, और फिर उससे ज्ञान लेके फिर अंदर जो गुरु चरण है हमारे सफ़ेद रंग का प्रकाश, उसमें प्रीत हो जाएगी, तो कोई सुख दुख है ही नहीं, हमेशा आनंद ही आनंद है। लेकिन हमारे, हम क्या करते हैं ना, तो बाहर के गुरु से प्रेम करते हैं और ना अंदर का गुरु मिलता है, और हम दुखी होते रहते हैं। गुरु ज्ञान ना लेने से क्या होगा, यम जाल में सो निस्दिन लटके, निस्दिन कहते हैं रात और दिन, और यम जाल, यम किसको कहते हैं, तकलीफ, दुख, नरक, नरक मतलब दुख, और यम मतलब जैसे एक तो दिन में यम सताता है कि हम बुरे बुरे विचार सोचते हैं, दुखी रहते हैं, और एक सपने में भी यम सताता है, बुरे बुरे सपने आते हैं और हम दुखी होते हैं, वो कभी पानी में डूब गया, कभी कुत्ते ने काट लिया, कभी सांप ने काट लिया, कभी लड़ाई हो गई सपने में किसी से। तो जब तक ये सुरत हमारी इस शरीर और मन में फंसी हुई है, तो जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में हमें चैन नहीं मिलता, इसको यमराज कहते हैं। ये यमराज दुख का नाम है, हमें तकलीफ जो होती रहती है संसारिक, वो उसका नाम है ये यमराज। तो दिन रात वो उसमें फंसा रहता है, मतलब उसको चैन नहीं है। तो उससे छुटना है तो क्या करो, किसी बाहरी गुरु से ज्ञान लेके और इस मन के चक्कर से निकल जाओ,
और जब मन के चक्कर से निकल जाओगे तो क्या करोगे, अपने काम के जो विचार आएंगे, सुंदर सुंदर विचार, उसको पकड़ो, काम करो। जैसे आपने व्यापार करना है, अभी कोई काम धंधा करना है, तो वो विचार मन में आए तो वो उस पर विचार करो, बार बार विचार करो, कर्म बन जाएगा। और क्योंकि आपका सुंदर कर्म है धन कमाने का या नौकरी पाने का, तो आपका वो वैसा कर्म है तो वैसा फल मिलेगा। आप ज्ञान से सुंदर सुंदर विचार रखने लग जाओगे, घटिया विचारों को छोड़ दोगे, तो इससे क्या होगा, फल क्या मिलेगा, इससे यम जाल से निकल जाओगे। जिसका जीवन सुंदर सुंदर विचारों से भर जाएगा और घटिया विचार छोड़ देगा, तो उसको दुख किस बात का, कोई सजा ही नहीं है, अपने आप ही घटिया कर्मों से बच जाएगा, सुंदर कर्मों की तरफ चलता रहेगा। तो इसके लिए गुरु चरण में प्रीत, किसी गुरु से श्रद्धा, विश्वास, प्रेम रखना पड़ेगा, और वो आपको धीरे धीरे सारी समझ देगा, एकदम नहीं आएगा। गुरु सेवा करनी पड़ेगी, गुरु शुरू में बताया गुरु सेवा क्या है, गुरु सेवा ये नहीं है जाके पैर दबाओ, माला पहनाओ, नहीं, वो बाहरी व्यवहार है, असली गुरु सेवा है उसकी बात को सुनो, समझो, और जब तक समझ नहीं आए गुनते रहो, और जब समझ में आ जाए तो अमल करने की कोशिश करो। फेल हो गए चिंता मत करो, फिर चलो, फिर कोशिश करो, बार बार ट्राई ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करने से, और वो हमारा जीवन बन जाएगा। जैसे ड्राइविंग सीखते हैं तो शुरू शुरू में बड़ा डर लगता है, और फिर थोड़े दिन ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते हैं और फिर खुद गाड़ी चलाने लगते हैं और एक दिन एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर थोड़े डर लगता है, कितना भी ट्रैफिक हो, पहाड़ पे चढ़ना हो, किधर जाना हो, नदी के साथ रोड है तो भी डर नहीं लगेगा, ऊंचा नीचा रोड है, घबराओगे नहीं, गाना भी सुनते जा रहे हो, वो एक्सपर्ट हो गए, अब आपको ध्यान नहीं देना। तो ऐसे ही संसार में भी एक्सपर्ट हो जाओगे ज्ञान लेते लेते धीरे धीरे। तो गिरावट से घबराओ मत, चलते रहो चलते रहो, आहिस्ता आहिस्ता वो जीवन, सुंदर विचार रखना, घटिया विचारों को छोड़ना, जीवन का हिस्सा बन जाएगा। फल क्या मिलेगा, यम जाल से बच जाओगे, कोई दुख तकलीफ रहेगी नहीं, और कोई दुख तकलीफ आएगी तो घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको तो पूरा ज्ञान मिल गया कि मेरे ही कर्मों का फल है, जो मैंने किया वो मुझे मिल रहा है, इस जन्म में किया या पिछले जन्मों में किया है, मैंने तकलीफ़ दी है तो तकलीफ़ मिल रही है, और मैंने सुख दिया है तो सुख मिल रहा है। तो आप फिर कोई सुख देगा तो भी नहीं बहोगी, और कोई तकलीफ़ देगा तो भी नहीं बहोगी, अपना व्यवहार अच्छा रखोगी, और यही रहने का तरीका है कि हम किसी के चक्कर में ना आए, अपना व्यवहार अच्छा रखें, किसी और के व्यवहार की वजह से हम अपना व्यवहार ना बदलें। योगी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा योगी क्या है, संसार में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए, संसार में ना फंसे, ये योगी है, ये योग है। तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आपका ही व्यवहार इतना सुंदर हो जाएगा कि आप कोई दुख दे या सुख दे, आप उसमें फंसोगे नहीं, यानी आपका जीवन शांति से, खुशी से, आनंद से भर जाएगा। तो ये ऐसे संसार में रहना, ये गुरु सिखाएगा आपको। सत्संग के भाव से जाओगे तो ये मिलेगा। अगर आप चाहोगे गुरु जी आशीर्वाद दें, धन दे दें, तो धन मिल जाएगा। आप चाहोगे गुरु जी के आशीर्वाद दें, पुत्र मिले, तो पुत्र मिल जाएगा। और कुछ चाहोगी, आपका विश्वास है, तो आपके विश्वास के कारण वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उन चीज़ों से टिकाऊ सुख नहीं मिलेगा, वो सुख थोड़े दिन का है, फिर वो चीज़ चली जाएगी अगर आपके भाग्य में नहीं है, और भाग्य में तो रहेगी लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। तो हमेशा सुखी रहना है, हमेशा आनंद में, शांति में रहना है, तो सत्संग को ज्ञान के भाव से लो कि मुझे ज्ञान हो जाए, और ज्ञान हो जाएगा तो फिर हमेशा प्रसन्न रहोगी, कोई दुख तकलीफ ही नहीं रहेगी, मस्त मौला। तो शुरुआत किससे करी थी, बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया। तो ये बड़े भाग से आपको मनुष्य तन मिला है, तन मन मन इंद्रियों में फंस के इसको नष्ट मत करो, अपने जीवन को दुखी मत बनाओ, और इसका इसका महत्व समझो मनुष्य शरीर का, और किसी गुरु से जो आपको अच्छा लगे उससे ज्ञान ले लो, उससे समझ ले लो, और फिर उसके समझ के हिसाब से चलो। तो जीव जब तक जीवो जब तक तो सुख शांति चाहिए ना, परमात्मा में मिलने की तो बाद की बात है। तो आज आपको इस संसार में कैसे रहना है ये बताया। तो एक तो मोक्ष ये है कि सदा के लिए उसमें मिल जाए, पहले तो यहाँ जीवन में मोक्ष चाहिए, छुटकारा चाहिए, संसार में फंसे पड़े हैं और दुखी होते रहते हैं, तो पहले तो ज्ञान लो अभी इस ज़िंदगी में कैसे खुशहाल रहना है, कैसे आनंद में हमेशा स्माइलिंग फेस कैसे रहे, कैसे शांति से रहें, वो सीखो। कहना आसान है, बातें तो बड़ी आसान है, चबड़ चबड़ करना मैंने भी खूब कर ली, लेकिन रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस ये मन का स्वभाव है, ये बड़ा घोड़ा है, ये
ये नचाता रहता है, तो ये ज्ञान से काबू में आएगा। ये सत्संग सुनते रहो, आहिस्ता 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 ये मन मान जाता है। समझ गए? काफ़ी है। अच्छा जी, नमस्कार।